ये क्रीमी रिफ्रेशिंग स्मूदी देखने में जितनी टेम्पटिंग लग रही है उससे कहीं ज्यादा ये टेस्टी, स्मूथ और डिलीशियस बनती है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट कुकिंग विद सिमरन वी। टुडे वी विल मेक बनाना स्ट्रॉबेरी स्मूदी। तो इसे बनाने के लिए मैंने ये कुछ स्ट्रॉबेरीज ली हैं जिसे मैंने वॉश कर लिया है और इसके हमने लीव्स भी निकाल दिए हैं और इसे हम स्मॉल स्मॉल पीसेज में कट करते जाएंगे। स्ट्रॉबेरीज के बहुत हेल्थ बेनिफिट भी होते हैं। ये विटामिन सी रिच फ्रूट है और विटामिन सी विच इज गुड फॉर अवर स्किन और ये हमारा इम्यूनिटी बूस्ट भी करता है। तो स्ट्रॉबेरीज हमने कट कर ली हैं। अब हम इसके लिए हमें कर्ड चाहिए और हमने ये हाफ बॉल लिया है। ये वन बॉल मैंने यानी वन बनाना कट किया है और ये स्ट्रॉबेरीज हमने 5 to 7 कट करके रखी हुई हैं। तो अभी हमें इसे एक मिक्सर में डालना है और इसे हमें ब्लेंड करना है, बट उसके लिए हम कुछ और इंग्रेडिएंट्स भी ऐड करेंगे। हमने स्ट्रॉबेरीज, बनाना और कर्ड को ऐड कर दिया है। 1 स्पून में इसमें ग्राउंड आमंड पाउडर ऐड कर रही हूँ, यानी बादाम जिसका छिलका उतरा हुआ था और उनका पाउडर। और ये 1 स्पून मैंने इसमें हनी ऐड किया है। अगर आपके पास हनी नहीं है तो आप इसमें शुगर भी ऐड कर सकते हैं। और ये हम थोड़ा सा मिल्क ऐड कर रहे हैं, ये मैंने 1/2 कप इसमें मिल्क ऐड किया है और कुछ इसमें मैंने आइस क्यूब भी ऐड किया है। अब इसे हमें शेकर में तब तक शेक करना है जब तक कि बनाना और स्ट्रॉबेरीज मिल्क और कर्ड के साथ मिलकर स्मूथ नहीं हो जाते। जैसे मैंने इसमें आलमंड पाउडर ऐड किया है, आपको जोन से नट्स पसंद है आप इसमें वॉलनट भी डाल सकते हैं, उसका भी आप घर पर पाउडर बनाकर वो ऐड कर सकते हैं। और अगर आपको नट्स नहीं लेने हैं तो आप वो अवॉइड भी कर सकते हैं। तो ये अब हमारा मिक्स हो गया है, अब हम इसे एक ग्लास में शिफ्ट कर लेते हैं और कुछ स्ट्रॉबेरी चंक्स के साथ हम इसे गार्निश कर देते हैं, जो देखने में तो अच्छे लगेंगे ही और जब हम स्मूदी पियेंगे तो इसे खाने में साथ में और भी मजा आएगा। होप यू लाइक माई वीडियो और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसे शेयर जरूर कीजिएगा। विल मीट सून विद माई नेक्स्ट रेसिपी। बाय बाय।